पंजाब में आम इंतखाबात कब होंगे? कोई फैसला न हो सका। इलेक्शन कमीशन वफ की गवर्नर पंजाब से मुलाकात, बगैर नतीजा खत्म। गवर्नर पंजाब का लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। फैसले की तशरीह और वजाहत की इस्तदा की जाएगी। ज़राए गवर्नर हाउस के मुताबिक देखना होगा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला गवर्नर पंजाब पर लागू होता है या नहीं। पंजाब में सूबाई असम्बली के इंतखाबात की तारीख का मामला। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान और निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में हंगामी आमद मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी कराची से जल्द वापसी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक तीनों शख्सियात के खसूसी तैयारों से नूर खान एयरबेस आमद से पहले सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। हस्बे तवक्को इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के इजलास में सिर्फ वक्त ज़ाया किया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का रद्दअमल। ट्विटर पैगाम में फवाद चौधरी ने कहा कि आईने पाकिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट के अहकाम का मजाक बना दिया गया है। अवामी राय की कोई हैसियत है ना औकात। अगर आईन की बहाली के लिए अवाम सड़कों पर ना निकले तो पाकिस्तान नौ आबादी बन जाएगा। अमरीकी साजिश के बयाने की मौत हो गई। तदफीन जमान पाक में हुई। नूली की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज का नौजवानों से खिताब। कहा, अगर आप अमरीका के खिलाफ नहीं थे तो कौम को क्यों भड़काया? आज कहते हैं साजिश अमरीका ने नहीं जनरल बाजवा ने की। पाकिस्तान को इस वक्त बयानी की नहीं तरक्की की जरूरत है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की मजमू मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने सदर मुमलिकत को आई एम एफ से मुआहदे समेत दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुल्क मईशत की बेहतरी के लिए मिसाक मईशत की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची में मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान नेवी के ज़ेरे अहतमाम बैन-उल-अक़वामी मशकों का मुआयना किया। इख्तितामी तकरीब में मुसल्ला अफवाज के सरबराहान गैर मुल्की मंदूबीन और पाक बहरी के अफसरान शरीक। वज़ीर-ए-आज़म ने बहरी मशकों और पेशावराना महारतों का मुशाहदा भी किया। सेनेट में हुकूमत और पीटीआई अरकान आमने सामने। सेनेटर रजा रब्बानी अटर्नी जनरल पर सीखपा। बोले, अटर्नी जनरल पार्लियामेंट की बुनियाद पर बात नहीं कर सकता, उन्हें खत लिखा जाए। ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम बोले, आईन के तहत चलना है तो इलेक्शन कराएं। चेयरमैन सेनेट ने कहा, लगता है आप लोग ऐवान चलाने के मूड में नहीं। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। गिरफ्तारी से डरने वाला नहीं, विफाक को लिखे खत के एक एक लफ्ज पर कायम हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर झगड़ा डटकाए। कहा, अभी तक एफआईए की जानिब से कोई समन मौसूल नहीं हुआ। निगरान हुकूमत एमटीआईएस में हाथ मारने के बजाय शफाफ इंतखाबात के इनेकाद पर तवज्जो दे। अवाम ने मैंडेट दिया है, सूबे के हक की बात करना हमारी जिम्मेदारी है। एम क्यू एम पाकिस्तान की ज़मीनी इंतखाबात के लिए सरगर्मियाँ शुरू। ज़राए के मुताबिक एम क्यू एम पाकिस्तान का कराची के नौ हल्कों में इंतखाबी दफ्तर खोलने का फैसला। इंतखाबी मुहिम के लिए ज़िला की तहसील पर कमेटियाँ कायम। टाउन्स की सतह पर अवामी राबता मुहिम चलाई जाएगी। रैलियाँ और जलसे भी मुनाकिद किए जाएंगे। और पीएसएल का मैदान आज कराची में सजेगा। नेशनल स्टेडियम में होगी चौकों छक्कों की बरसात। बाबर आजम पेशावर जलमी कयादत करते हुए अपनी पहली टीम कराची किंग्स के खिलाफ एक्शन में होंगे। रिकॉर्ड्स में जलमी का पलड़ा भारी। मैच रात 8 बजे शुरू होगा।